Swayam Prabha, Digital India, Educated India. लेक्चर तो हम लोगों का है ऑलरेडी हम लोगों ने अठारह लेक्चर इस पर लिया है क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने बीस भाग में डिवाइड किया था बीस विषय में डिवाइड किया था तो बीस में से अठारह हम लोगों ने कर लिया उन्नीस पॉइंट पे है तो सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब इस विषय में क्या है इस विषय का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन क्या है और ये जो लेक्चर हम लोग उन्नीसवें नंबर का लेने जा रहे हैं इस लेक्चर में किस मॉड्यूल की डिस्कशन करेंगे इस सबको बताने के पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बारह तेरह साल का है वहाँ पर और उसके पहले मैं न्यायिक अधिकारी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे अब विषय की बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा भी थी तो सिविल प्रक्रिया संहिता बेसिकली किस चीज़ की बात करती है कि अगर आपके सिविल अधिकारों का हनन हो जाता है और आप उससे पीड़ित महसूस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे और आप कैसे कोर्ट में जाएंगे क्या दस्तावेज लेकर के जाएंगे न्यायालय से आप क्या कहेंगे और जब आप कहेंगे तो न्यायालय क्या स्टेप लेगी अपोजिट पार्टी के खिलाफ और फिर अपोजिट पार्टी को क्या करना होगा और इसके बाद कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी जिससे कोर्ट जो है डिक्री और जजमेंट पे पहुंच जाएगी तो ये पूरी बात सिविल प्रक्रिया संहिता में बताई गई है इस तरीके से और दूसरा परिसीमा विधि है कि कोई भी मुकदमा है कोई भी अपील है कोई अप्लीकेशन है उसको अगर न्यायालय में आपको लेके आना है तो उसका टाइम लिमिट क्या है विद इन हाउ मेनी डेज विद इन हाउ मेनी मंथ्स विद इन हाउ मेनी ईयर आपसे उम्मीद करता है कानून की उतने समय में आप जरूर न्यायालय के दरवाजे पहुंच जाएंगे नहीं तो आपका सूट बार्ड भाई, लिमिटेशन हो जाएगा तो ये दोनों सब्जेक्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया अठारह विषय पे हम लोगों ने बात कर लिया है उन्नीसवां विषय है जिसपे बात करने जा रहे हैं अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्नीसवां विषय क्या है तो आप एक बार स्लाइड पे देखें उन्नीसवा जो लेक्चर है इसका नाम है अपील निर्देश पुनर्विलोकन तथा पुनरिक्षण तो इसमें कई बातें हैं अपील की बात हम लोग करेंगे हम लोग निर्देश की बात करेंगे पुनर्विलोकन की बात करेंगे पुनरीक्षण की बात करेंगे जो धारा 96 से लेकर के 115 तक है और जो आदेश 41 से लेकर के सैतालीस तक है तो ये पूरा विषय वस्तु इतने में डिवाइडेड है अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो आप अपील को अलग कर सकते हैं ये है नाइन्टी टू वन सेक्शन में और आर्डर में है इकतालीस से पैंतालीस ये आर्डर ये सेक्शन तो ये अपील को आप यहाँ पे कर सकते हैं निर्देश को जब आप देखेंगे तो ये है सेक्शन 113 सेक्शन में और आर्डर में है ये आर्डर छियालीस इसी तरीके से जब आप पुनर्विलोकन की बात करेंगे तो ये है सेक्शन 114 और आर्डर की बात करेंगे तो आर्डर है सैतालीस और जब पुनरीक्षण की बात करेंगे तो ये है सेक्शन 115 तो इस तरीके से आप इसको बाईफर्केट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेक्शन ग्रुप ऑफ आर्डर को आप इतने भाग में बांट सकते हैं इसके लिए ये इसके लिए ये इसके लिए ये तो अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन इसको अंग्रेजी में कहते हैं यह है अपील यह है रेफरेंस यह है रिव्यू और यह है रिविजन

फर्स्ट स्टेज वो होता है जिसमें आपने मुकदमा दाखिल किया जब आपका राइट वायलेट हुआ तो वो फर्स्ट स्टेज है मुकदमा दाखिल किया कोर्ट में गए कोर्ट ने डिक्री प्रोनाउंस कर दिया तो ये फर्स्ट स्टेज है उस डिक्री प्रोनाउंस करने के बाद अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है आप अपने घर बैठ जाएंगे लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं आप उस डिग्री से नहीं सहमत हैं आप उस जजमेंट और आर्डर से नहीं सहमत हैं क्योंकि वो जजमेंट और आर्डर आपको लग रहा है कि आपको आपके खिलाफ है या आपके हित को पूरा संरक्षित नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं आप सेकेंड स्टेज में जा सकते हैं तो सेकेंड स्टेज में सारी रेमेडी आपको अवेलेबल है या तो आप अपील फाइल कर सकते हैं या आप रिव्यू में जा सकते हैं या आप रिविजन में जा सकते हैं तो जब सेकेंड स्टेज में आप अपीलेट कोर्ट में रिव्यू के कोर्ट में रिविजनल कोर्ट में जाएंगे तो क्या प्रोसीजर है वो सारी बातें आप इस स्क्रीन पे मैंने लिखा और अलग अलग विषय पे हम लोग सेकेंड स्टेज के चारों की अपील धारा छियानवे से एक आदेश इकतालीस से पैंतालीस हम लोग पहले इसकी बात करेंगे अब ध्यान दीजिए अपील को भी हम कई भाग में बांट सकते हैं अपील को भी हम कई भाग में बांट सकते हैं जैसे एक को हम बोलते हैं पॉइंट नंबर वन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ओरिजिनल डिक्री ध्यान दीजिए इसको फर्स्ट अपील भी बोलते हैं फर्स्ट अपील भी बोलते हैं इसको ये पहला इसका क्लासिफिकेशन है जब पूरे को आप डिवाइड करेंगे तो इतने भाग में डिवाइड हो जाएगा पॉइंट नंबर वन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री फर्स्ट अपील इसके लिए हमारे पास सेक्शन नाइनटी सिक्स से नाइंटी नाइन और आर्डर इकतालीस सेक्शन है नाइनटी सिक्स नाइनटी नाइन और आर्डर इकतालीस ये पहला अब जब इसके आप दूसरे पॉइंट पे जाएंगे दूसरा क्लासिफिकेशन है अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री ध्यान दीजिए अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री ध्यान दीजिए अपीलेट फ्रॉम अपीलेट डिक्री इसको हम बोलते हैं सेकेंड अपील सेकेंड अपील बोलते हैं इसको इसके लिए हमारे पास है सेक्शन हंड्रेड टू हंड्रेड जीरो थ्री आर्डर फोर्टी टू ये है सेकेंड अपील अपील फ्रॉम अपील फिर जब इसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जो थर्ड पॉइंट है ये है अपील फ्रॉम आर्डर्स अपील फ्रॉम आर्डर्स इसके लिए हमारे पास है सेक्शन एक सौ चार से एक सौ और आर्डर फोर्टी थ्री ये है अपील फ्रॉम आर्डर्स इसके बाद चौथे पॉइंट की आप बात करेंगे तो ये है अपील बाई इंडिजेंट पर्सन इंडिजेंट पर्सन ये है हमारे पास आर्डर फोर्टी फोर कैपिटल ए आर्डर फोर्टी फोर कैपिटल ए इसके बाद आप देखेंगे लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दीजिए ये है हमारा सेक्शन 109 से लेके 112 तक और आर्डर 45 ये बात है और इन सब के लिए एक हम लोगों को सेक्शंस देखने हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शंस सेक्शन 107 और 108 ये दोनों सेक्शन बीच में कहीं नहीं आया अगर आप देखेंगे ये कहता है पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट पावर्स ऑफ अपीलेट

तो इसमें भी आप ये सेक्शन पढ़ेंगे फिर पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट के लिए इन दोनों सेक्शन को जाना पड़ेगा फिर अपील फ्रॉम आर्डर तो जिस कोर्ट में आर्डर की अपील हुई है उसके लिए भी सेक्शन एक सौ सात एक सौ आठ में जाना पड़ेगा अपील टू द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के भी पावर को देखना है सेक्शन एक सौ सात एक सौ आठ में जाना पड़ेगा तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ सेक्शन है ये सके साथ पढ़ने हैं आपको ये एडिशनल प्रावधान तो अगर आप अपील को देखेंगे तो ये सारे इंस्टीट्यूटरी प्रोविजन को हमने बड़ा क्लियरली वाइफरकेट कर दिया है जो सीपीसी में इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो जब भी आपको अपील फाइल करना है तो अपील के लिए स्टेज बने हुए हैं पहले आप कहाँ जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे और करते करते अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कैसे रिलीफ आप पाएंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर है तो ये हम लोगों ने देख लिया अब अपील ध्यान दीजिए अपील जो है कंटिन्यूएशन है सूट का आपका सिविल सिविल राइट प्रभावित हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल सूट इंस्टीट्यूट कर देने से ही आपका सिविल राइट प्रोटेक्ट हो जाएगा सिविल सूट हमने इंस्टीट्यूट किया लेकिन उस कोर्ट के द्वारा हमको रेमेडी नहीं मिली तो हमको दूसरी भी रेमेडी चाहिए हम अपीलेट कोर्ट में जाए और अपने राइट को संरक्षित करा लें तो अपीलेट कोर्ट में कैसे जाएंगे उसके लिए बृहद व्यवस्था एसपीसी के अंदर एक ही बार अपील नहीं हो सकती है सक्सेसिव और जा का मतलब तक तक उम्मीद करते हैं तब तक न्याय का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है तो एक तरीके से यह जस्टिस का इंप्लीमेंटेशन है इन दी फेवर ऑफ दर्स सिविल राइटेड तो ऐसे सीपीसी में आप देखेंगे तो बहुत ही बृहद प्रावधान है अपील का तो हम लोगों ने देखा पहला अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री दूसरा हम लोगों ने देखा अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री तीसरा हम लोगों ने देखा अपील फ्रॉम ऑर्डर्स फिर हम लोगों ने देखा अपील बाय इंडिजेंट पर्सन और लास्टली हम लोगों ने देखा अपील टू द सुप्रीम कोर्ट तो ये पांच तरीके की अपील है अब एक एक करके हम लोग देखेंगे जैसे मान लीजिए अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री अब हम पहले पॉइंट पे हैं ध्यान दीजिए अभी हम पहले पॉइंट पे हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री फर्स्ट अपील जिसमें सेक्शन नाइनटी टू नाइनटी और आर्डर फोर्टी की बात करेंगे अब आप ध्यान दीजिए और इसी के साथ पावर ऑफ अपलेट कोर्ट यहां देख लेंगे फिर इसको बार बार रिपीट मैं नहीं करूंगा इसको आप सब में समझ लेंगे वह पावर सबके साथ जाएगा लेकिन हम डिस्कशन इसी के साथ कर देंगे तो देखिए अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेक्शन नाइनटी सिक्स टू नाइनटी नाइन और आर्डर फोर्टी वन अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं सेक्शन 96 देखिए सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री या फर्स्ट अपील इसका क्या मतलब है इसका मतलब जैसे मान लीजिए इस पेन के लिए हमने मुकदमा दाखिल किया और मैं मुकदमा हार गया लास्ट में तो मैं अग्रीव फील कर रहा हूँ और मैंने जो मुकदमा दाखिल किया वो कहाँ पे किया कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन के कोर्ट में हमने दाखिल किया और कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन के आर्डर से हम हार गए मुकदमा चूंकि मैं मुकदमा हार गया तो मैं अग्रीव फील कर रहा हूं तो इसकी मैं अपील जो फाइल करूंगा वो कहाँ पे फाइल करूंगा इसकी ऊपरी अदालत में

माने पहली जो अपील होगी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में जो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री है उसमें क्या प्रोसीजर है सेक्शन 96 टू और 41 तो इसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं और इस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पावर क्या है सेक्शन 107 और 108 तो ये बात हम लोग करने जा रहे हैं इसको ध्यान से आप देखिए अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेक्शन नाइनटी अब सेक्शन नाइनटी में देखेंगे तो कई प्रावधान है उसमें क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर ऐसे अब सेक्शन 96 सिक्स क्लास क्या बोल रहा है अपील सेल लाई ध्यान दीजिए उसकी वर्डिक्ट है अपील सेल लाई किस डिक्री के खिलाफ जो डिक्रीज ओरिजिनल कोर्ट ने पास किया है उसकी अपील सेल लाई किस कोर्ट में ठीक उसके इमीडिएट सुपीरियर कोर्ट में लेकिन अपील सेल लाई लिखा हुआ है इसका मतलब अपील अपीलेट कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है राधर अपील इज दूट है और अपील कैन बी क्लेम्ड बाय द पार्टी लिटिगेंट एज मैटर ऑफ राइट बिफोर द अपीलेट कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि इसको कोर्ट मना भी कर सकती है आपको कि नहीं नहीं हमारे पास बहुत पेंडेंसी है

ध्यान दीजिए तो अपील चली जाएगी अब सिविल जज जूनियर डिवीजन का था सीनियर डिवीजन में अपील हो गई दूसरा क्लास इसका बोलता है अपील में लाई अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री ध्यान दीजिए अपील में लाई यहाँ पे सेल नहीं लिखा हुआ है 96 सिक्स क्लास टू अगर एक्स पार्टी डिक्री है तो उसकी अपील में लाई एक्स पार्टी डिक्री का क्या मतलब एक्स पार्टी कब होती है जब प्लेंटिव अपीयर्स और डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर ध्यान दीजिए प्लेंटिव बार बार कोर्ट में आता है आर्डर नाइन का स्टेज है हम लोगों ने इसको देख लिया है एक मॉड्यूल में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस तो इसमें प्लेंटिव बार बार जा रहा है डिफेंडेंट नहीं जा रहा है तो अल्टीमेटली कोर्ट क्या करेगी एक्स पार्टी डिक्री कर देगी किसके फेवर में प्लेंटिव के फेवर में किसके अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट और डिफेंडेंट इससे ग्रीफ्ट फील कर रहा है वह इसकी अपील फाइल करना चाह रहा है इसकी अपील मेल आई है मेल आई है क्योंकि डिफेंडेंट इसको मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकता कि थी, आपको बार -बार बुलाया गया था, में नहीं आए थे और हुआ है। आप है। क्योंकि आपकी हियरिंग पॉसिबल ही नहीं थी आपको बार बार बुलाया गया आप आए ही नहीं है तो इसलिए यहां पे अपील को आप मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम करेंगे इसलिए इसमें लिखा हुआ है अपील मेल आई ध्यान दीजिए सिक्स क्लास टू

97 क्या बोल रहा है 97 बोला बोल रहा है कि अगर प्रिलिमरी डिग्री की अपील आपने नहीं फाइल किया तो फिर फाइनल जब हो जाएगी डिग्री तो प्रिलिमरी डिग्री का ऑब्जेक्शन आप अपील में रेज नहीं कर सकते मैंने अगर आप प्रिलिमरी डिग्री सेटिस्फाइड नहीं है प्रारंभिक डिग्री सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको अंतिम डिग्री तक का वेट नहीं करना है आप प्रारंभिक डिग्री की देर अपील फाइल कर दीजिए मान आपकी प्रारंभिक डिग्री ठीक नहीं थी आप उससे थीड नहीं थे लेकिन आपने वेट करते करते फाइनल फाइनल आने आने दिया और फाइनल आने के बाद आप करेक्टनेस किसका चैलेंज कर रहे हैं अपील में प्रलिमरी डिग्री का यह नहीं अलाउ किया जाएगा यह सेक्शन नाइन्टी में लिखा हुआ नाइनटी एट बोलता है मेजॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा अगर मान लीजिए कई जजेस हैं तो मेजोरिटी ओपिनियन डिसाइड किया जाएगा और 99 बोल रहा है कि अगर डिक्री जब अपील होती है तो अपीलेट कोर्ट जनरली इसको मॉडिफाई नहीं करेगी जनरली इसको वैरी नहीं करेगी जनरली इसको रिमांड नहीं करेगी जब तक कि फेल्योर ऑफ जस्टिस है प्रिजुडिशियली इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया है अपील का तो केवल इस आधार पे कि अपील फाइल हो गई ऐसा नहीं है कि फैशन में नहीं ले आना है कि जो कोर्ट ने डिसाइड किया है लोअर कोर्ट ने जो ऊपर सुपीरियर कोर्ट है उसको खारिज कर देगी तो जनरली रिमांड भी नहीं करना है वेरी भी नहीं करना है इसको मॉडिफाई भी नहीं करना है जब तक

तो इसमें अपीलेट कोर्ट के चार पावर बताए गए हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट अपीलेट गुण दोष के आधार पे, पे डिसाइड कर दीजिए बस क्योंकि आपके पास डिसीजन के लिए गया है यू मे डिसाइड द केस फाइनली पॉइंट नंबर वन दूसरा पावर आपका है आप इस केस को रिमांड वापस भेज दीजिए लोअर कोर्ट को लोअर कोर्ट को भेज दीजिए कि भाई इसमें फलाफला डिफेक्ट फला है आप इसको डिसाइड करो तो लोअर कोर्ट को आप वापस भी भेज सकते हैं दूसरा पावर है तीसरा पावर आपका है कि आप क्या करें इशू फ्रेम कर दें क्योंकि नहीं अगर कायदे से फ्रेम हुआ है और इसको ट्रायल के लिए नीचे भेज दें तो ये भी आप कर सकते हैं इशू फ्रेम करके नीचे कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज सकते हैं और चौथा पावर आपका है कि आप एडिशनल एविडेंसेस भी ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे एविडेंसेस एविडेंसेस हैं 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 जो छूट गए हैं, तो तो एडिशनल भी ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 107 में अपीलेट कोर्ट का पावर है और ये पावर सारे अपीलेट कोर्ट का है चाहे फर्स्ट अपील है चाहे सेकेंड अपील है चाहे अपील अगेंस्ट आर्डर है चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, पावर सबके पास है केस को फाइनली डिटरमाइन करना केस को नीचे रिमांड कर देना या इशू फ्रेम करके फिर कोर्ट को भेज देना

तीन ऐसे कंडीशन हैं जिसमें आप एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं। पहला क्या है जब लोअर कोर्ट में वो एविडेंस दिया हुआ था पार्टी ने लेकिन उसके एविडेंस को रिफ्यूज कर दिया लोअर कोर्ट ने माने उसके पास एविडेंस था अपने मैटर को लेकर के एविडेंस सबमिट करता है लोअर कोर्ट में लेकिन लोअर कोर्ट ने उसके एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बेचारा क्या करेगा वो निश्चित रूप से उसका एविडेंस नहीं गया और उस एविडेंस की एनालिसिस भी नहीं हुई इसलिए मुकदमा हार गया तो उसके एविडेंस को आप लें क्योंकि कोर्ट का काम ही है एविडेंस के आधार पर मैटर को डिसाइड करना एडवर्सरी लिटिगेशन में बिना एविडेंस के कैसे डिसाइड होगा लेकिन आपने एविडेंस उसका रिफ्यूज कर दिया तो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट के का पावर है कि वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है पॉइंट नंबर वन दूसरा ये है कि वह एविडेंस बाद में रिकवर किया है

तो ये तीन पावर है एडिशनल एविडेंसेस को लेने के लिए जो आदेश इकतालीस रूल 27 में लिखा हुआ है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे जब 107 के पावर की आप बात करेंगे और जब लास्ट वाले पावर की बात करेंगे कि अपीलेट अपीलेट कोर्ट कोर्ट को को सारे को पावर है टू तो टेक एडिशनल एडिशनल एविडेंसेस एविडेंसेस तो तो किस दशा में और कब तो ये तीन दशाएं हैं जो गिनाई गई जनरली नहीं लेना है लेकिन ये तीन दशाओं में से अगर कोई सेटिस्फाई हो रहा है तो अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस ले सकती है तो ये हम लोगों ने देखा फर्स्ट अपील अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री तो मैं समझ रहा हूं पहला आपको समझ में आया होगा

फिर मैं मुकदमा हार गया, तो मैं इसकी सेकेंड अपील फाइल करूंगा अब मैं ओरिजिनल तो नहीं है अपीलेट डिक्री है क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने फर्स्ट कोर्ट ने पास किया है अब इसकी मैं अपील फाइल करना चाह रहा हूं तो अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री सेकेंड अपील सेकेंड अपील हमेशा हाईकोर्ट में जाती है ध्यान दीजिए तो दूसरा स्टेज अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे जब कोर्ट में जाएंगे तो सेक्शन 100 से लेके हंड्रेड जीरो थ्री का में, जब आप कोर्ट में जाएंगे, इसका मतलब जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा एक बात आप कहेंगे जज साहब हम आपके पास इसलिए अपील लेके आए हैं क्योंकि हमारे मामले में विधि का प्रश्न निहित है ध्यान दीजिए

ये कोर्ट की मर्सी नहीं है कोर्ट का दया नहीं है कि कोर्ट मन करेगा आपको एक्सेप्ट करेगी मन करेगा नहीं करेगी ये स्टेच्यूटरी राइट है हमारे हाथ में जो स्टेट ने दिया है और इसको लेकर के मुझे न्यायालय में जाना है एज ए मैटर ऑफ राइट जाना है हमको मर्सी पे दांत फैला के नहीं जाना है और हमको याचना नहीं करना है हम अपने अधिकार को बहुत जबरदस्ती वहां पे कह सकते हैं कि नहीं हम हमारी अपील आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूटरी राइट है तो सेक्शन 96 सेक्शन 100 इंक्लूडिंग सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी आप देख सकते हैं सूट का इंस्टीट्यूट करना फर्स्ट अपील फाइल करना सेकंड अपील फाइल करना तो सेक्शन हंड्रेड क्लास वन सेकेंड अपील यू कैन क्लेम इट एज अटर ऑफ राइट लेकिन कब कव वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेक्शन हंड्रेड क्लास टू बोलता है सेकेंड अपील मेल लाई यहां पे भी है मेल आई अब इसको आप मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम करेंगे ये कोर्ट की मर्जी है कब एक्स पार्टी जो वहां पे हम लोगों ने देखा था ना सेक्शन 96 में वही सेक्शन 100 में भी है एक्स पार्टी जब आप फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में गए थे तो तो वहां पे था रिस्पोंडेंट को बार बार बुलाया जा रहा है रिस्पोंडेंट जाता ही नहीं है और इसलिए डिक्री पास हो गई एक्स पार्टी किसके फेवर में अपीलांट के फेवर में और रिस्पोंडेंट उसमें हार गया तो अब रिस्पोंडेंट अगर अपील फाइल करना चाहेगा तो सेक्शन हंड्रेड क्लास टू बोलता है ही क्लेम इट एज मैटर ऑफ राइट नो अब यह कोर्ट की मर्सी क्योंकि आपको बार बार बुलाया गया था आप नहीं आए थे तो आप स्टेच्यूटरी राइट नहीं क्लेम करेंगे कोर्ट की मर्जी है कोर्ट आपको एक्सेप्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है तो सेक्शन हंड्रेड क्लास टू कता है सेकेंड अपील मे लाई अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री नाउ कम टू सेक्शन हंड्रेड क्लास थ्री हंड्रेड क्लास थ्री क्या बोल रहा है जब आपने ये बताया कोर्ट में कि हमारे अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट को आपको इस बात को कन्विंस करना पड़ेगा आपको अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा जज साहब हमारे क्वेश्चन में हमारे अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है हाई कोर्ट इसको पहले देखेगी अगर मेंटिस्फाई होगी तो हाई कोर्ट इसको रिफार्मुलेट करेगी ध्यान दीजिए कौन कौन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री कितने क्वेश्चन है इसको हाईकोर्ट फार्मुलेट करेगी और तब मामले को हियर करेगी तो ये प्रोसीजर है इसमें आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बताना भी है होना भी चाहिए कोर्ट को इससे सेटिस्फाई भी होना चाहिए कोर्ट को इसको रिफार्मुलेट भी करना चाहिए और तब कोर्ट को इस पर प्रोसीड करना चाहिए तो ये है सब्सटेंशियल क्वेश्चन आपला का मामला अब जैसे मान लीजिए आपने बताया है कि आपके मामले में एक दो तीन सब्सटेंशियल क्वेश्चन आप लाए लेकिन हाई कोर्ट को लग रहा है कि इसमें तीन चार और सब्सटेंशियल क्वेश्चन आप है जिसको आपने आर्ग्यू नहीं किया था तो कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट बाध्य है जितना आपने बोला है बस उसी पर सुनेगी नहीं हाई कोर्ट इसे आगे भी बढ़ सकती है ठीक है ना तो हाई कोर्ट इसे आगे बढ़ के भी निस्तारित कर देगी ये लिखा हुआ है कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन आप लॉ आर्गू नहीं किया गया था उस उसपे भी हाई कोर्ट अपना वर्डिक दे सकती है ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन करेगी जिसको पार्टी ने वहां पर बताया हुआ है तो ये उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और जब आप कहेंगे कि आपके मामले में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अपोजिट पार्टी को मैंने रिस्पॉन्डेंट को पूरा राइट है वो इसमें आर्ग्यू करेगा कि इनके मामले में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है क्योंकि एडवर्सरी लिटिगेशन का ये रूल है

क्वेश्चन क्वेश्चन है है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के ओपिनियन और जो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा सेटल्ड नहीं है जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन जिसमें उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिफरेंट ओपिनियन है और जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद कोर्ट ने सेटअप नहीं किया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा

लेटर पेटेंट अपील बोलते हैं हाई कोर्ट के सिंगल जज के डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं होगी लेटर नहीं होगी इसके, 101, 101 हो इसके अलावा नहीं होगी मैंने सेक्शन 100 का जो ग्राउंड है ये होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है सेकेंड अपील नहीं होगी सेक्शन हंड्रेड और हंड्रेड बोलता है अगर मामला पच्चीस या उससे कम का है तो फिर सेकेंड अपील नहीं लाई करेगी तो सेकंड अपील के लिए उससे कम तक का मामला खत्म हो जाएगा यहीं पे और लास्टली सेक्शन बोल रहा है कि हाई कोर्ट को इशू फ्रेम करने का भी पावर है अगर लोअर अपीलेट कोर्ट ने इशू फ्रेम ही नहीं किया है या लोअर अपीलेट कोर्ट ने रॉन्गली इशू फ्रेम किया है तो इन दोनों दशाओं में हाई कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है और प्रोसीड कर सकती है ट्रायल में या रिमांड भी कर सकती है नीचे तो ये सेक्शन वन जीरो थ्री में हाईकोर्ट को पावर है ड्यूरिंग सेकेंड अपील तो तो ये था appeal, तक, तो ये था अपील अपील सेक्शन से लेकर के के तक कुछ हम लोगों ने देखा हमको उम्मीद में करता हूँ अपील आपको समझ में आई होगी हम लोगों ने क्या देखा अगर हम मुकदमा जो इंस्टीट्यूट किए हैं हार गए तो हम पहली अपील जो फाइल करेंगे वो फर्स्ट अपील होगी और पहली अपील हम डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में इसके लिए जो प्रावधान हम लोगों ने देखा 96 से लेकर

आ, कुछ नोट के साथ इसको वापस भेज देना, फ्रेम कर देना और टेक तो ये चार इसके आप हाई कोर्ट में गए और वहां से भी आप मुकदमा हार गए जैसे हम लोगों ने देखा मुकदमा हमने इंस्टीट्यूट किया मैं हार गया मैंने फर्स्ट अपील फाइल किया डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में मैं मुकदमा हार गया फिर अपील हार गया उसकी अपील हमने कोर्ट में फाइल किया मान लीजिए फिर हम हार गए अब हमारे पास क्या रेमेडी है नेक्स्ट रेमेडी है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ये हमारे पास है नंबर पहले के बाद पे आते हैं तीन और चार मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं डिलिबरेटली छोड़ रहा हूं तो पॉइंट नंबर फाइव पे आइए अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109 से 112 और आर्डर 45 ध्यान दीजिए अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अब मान लीजिए सेकंड अपील में आप हाई कोर्ट में हार गए तो अगेन यू आर फीलिंग योरसेल्फ सेल्फ

तो आप इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई। ध्यान दीजिए अगेन ये स्टेच्यूटरी राइट है जैसे हम लोगों ने सेक्शन 96 सिक्स क्लास वन में देखा जैसे हम लोगों ने सेक्शन 100 क्लाज वन में देखा 96 सिक्स क्लास वन फर्स्ट अपील सेल लाई 100 क्लास वन सेकेंड अपील सेल लाई सेक्शन

ये सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देगी और दूसरा सर्टिफिकेट में दूसरा कंडीशन वो जरूर वेरीफाई करेगी कि दिस मैटर इज

134A, 134 ए ध्यान दीजिए आर्टिकल 134 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप इसको देखेंगे तो इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट के हाई कोर्ट के पावर की बात की गई है इसमें लिखा हुआ है जब आप ओरल सबमिशन करते हैं हाई कोर्ट में जब आप कुछ नहीं बोलते हैं आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं नहीं करते हैं तब हाई कोर्ट में इशू सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में नॉट इशू सर्टिफिकेट लेकिन जब आपने सबमिशन कर दिया हाई कोर्ट में तब हाई कोर्ट से इशू सर्टिफिकेट तब देगी हाईकोर्ट सर्टिफिकेट मैंने अगर मांगेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जब सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप अपील मैटर आप राइट क्लेम करेंगे नहीं तो आप नहीं क्लेम कर सकते तो 109 में यह व्यवस्था है आपके आप अपील हार गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और आप हार गए तो आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कहेंगे जय साहब आप मैं तो मुकदमा हार गया लेकिन मैं इस हारने से संतुष्ट नहीं हूं तो आप हमको सर्टिफिकेट दे दें ताकि मैं आपके ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकूं तो वो जज जो आपको सर्टिफिकेट देगा दो बातों का देगा कि आपके मामले में विधि का सारवान प्रश्न जो, जो जनरल इंपॉर्टेंस का है वो नीत है और दूसरा आपका मामला फिट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो इन दोनों बातों का सर्टिफिकेट जैसे ही दे देगी हाईकोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं तो तो ये था appeal to the supreme court. तो ये था तीन स्टेज हम हम लोगों ने ने देखा देखा जब हमने मुकदमा institute किया मैं मुकदमा हार गया तो मैं पहली बार अपील में गया वो था अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में गया फिर मैं मुकदमा हार गया अब था अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री और तब तो हम जाएंगे कोर्ट में तो जब कोर्ट में हम जाएंगे तो हम अपील फ्राम अपीले डिक्री में जाएंगे वहां पे मेमोरेंडम ऑफ अपील हमको लेके जाना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ अपील में मैं बताऊंगा कि हमारे मामले में किस तरीके की बातें हैं तो वो सारा हमको बताना पड़ेगा और मेमोरेंडम ऑफ अपील में आप अपने सारे इश्यूज को बताएंगे और ये सारी बातें हैं इसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे हाई कोर्ट से भी आप हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे और फिटनेस सर्टिफिकेट में हाई कोर्ट कहेगी आपके मामले में विधि का सारवान प्रश्न जनरल इंपॉर्टेंस का वो नहीं थे और फिट मैटर है टू बी डिसाइडेड विद सुप्रीम कोर्ट तो ये आपको लेके आना पड़ेगा तो इतना आप लेके आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आप एज अ मैटर ऑफ राइट इसको क्लेम कर सकते हैं तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं अब एक जो तीसरा पॉइंट है हम लोग के स्क्रीन पे आप देखें पॉइंट नंबर थर्ड अपील फ्रॉम आर्डर सेक्शन 104 से लेके 106 तक रेड विथ आर्डर 43 अपील फ्रॉम आर्डर ध्यान दीजिए जनरली डिक्री की ही अपील होती है आर्डर अपीलेबल नहीं होते ये मैं आपको यहीं पर बता दू ओनली डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट आर अपीलेबल डिक्री एंड जजमेंट आर्डर्स की अपील नहीं होती क्योंकि एक मुकदमे में पास होते हैं। हर की अपील होने लगेगी तो जैसे अपील तो अपीलेबल नहीं है और डिक्री और जजमेंट अपीलेबल है लेकिन कुछ ऐसे आर्डर हैं सीपीसी के तहत जो बड़े ग्रेव नेचर के आर्डर हैं इसलिए उनकी अपील हो सकती है तो इसीलिए सेक्शन 104 सौ चार आर्डर फोर्टी में वो आर्डर्स हैं जिससे आप अगर उस आर्डर से आप एग्रीफ्ट करते हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं उन ऑर्डर की बात की गई है कौन कौन ऑर्डर है जिनकी अपील होगी तो इसमें हम लोगों को देखना है अंडर 35, A, अगर 35, में जो ऑर्डर पास हुआ है सीपीसी में उससे आप एग्रीव्ड फील करते हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं हालांकि जजमेंट डिक्री नहीं है मेयर आर्डर अब ध्यान दीजिए फाइव कैपिटल हालांकि कास्ट पे एक चर्चा हम लोगों ने कर लिया है एक मॉड्यूल में यहां पे लेकिन कंपेंसेटरी कास्ट क्या है कंपेंसेटरी कास्ट का मतलब किसी भी मुकदमे में या किसी भी एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन एंड एप्लीकेशन लेकिन एक्सक्लूडिंग रिवीजन एंड अपील अपील और रिवीजन में नहीं उसके अलावा कोई भी मुकदमा है या एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन है अगर लग रहा है किसी भी पार्टी को प्लेंटिव को लग रहा है कि डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया है या डिफेंडेंट को लग रहा है कि प्लेंटिव का फॉल्स क्लेम है ऐसा लग रहा है तो वो कोर्ट में आएंगे और कोर्ट में कहेंगे जज साहब ये फॉल्स क्लेम या फॉल्स डिफेंस लिया है एज केस में भी और आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपकी बात को सुनेगी कोर्ट इसको देखेगी कि सही में फॉल्स और क्लेम है इसके पता कर लेती है, कि सही बात है इसमें डिफेंस है तो इसमें जिस व्यक्ति ने फॉल्स या वैक्सीसियस क्लेम किया है या डिफेंस किया है उसके ऊपर कास्ट इंपोज कर देगी खर्चा इंपोज कर देगी इस खर्चे को हम बोलते हैं कंपेंसेटरी कास्ट

अब इसमें किस ग्राउंड पे अपील होगी लास्ट में इसी सेक्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 104 के प्रोविजों में अगर कास्ट से संबंधित कंपेंसेटरी कास्ट से संबंधित अगर आपको अपील करनी है तो केवल दो ही आधार पे होगी कंपेंसेटरी कास्ट का ऑर्डर नहीं पास किया जाना चाहिए था पॉइंट नंबर वन या अगर पास भी किया जाना चाहिए था तो लेस अमाउंट के लिए पास किया जाना चाहिए था कोर्ट ने तो तीन हजार दिलवा दिया जबकि उसमें तो सौ रुपया खर्चा हुआ था तो सौ रुपया होना चाहिए तीन हजार नहीं होना चाहिए इस आधार पे या तो पूरा ऑर्डर पास ही नहीं होना चाहिए था इस आधार पे आप कर सकते हैं इसके अलावा किसी आधार पे नहीं कर सकते ये लिखा हुआ है तो कंपेसेटरी कास्ट किस आधार पे अवेलेबल होगी वो आधार उसमें बताया गया है सेक्शन

जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं भी है तो कोर्ट की इजाजत लेकर के सूट फाइल करेंगे या एडवोकेट जनरल बिना कोर्ट की इजाजत के ही फाइल कर सकता है अब मान लीजिए दो या दो से अधिक लोग जिनका इंटरेस्ट है चाहे नहीं है वो जाते हैं कोर्ट में इजाजत लेने के लिए कि पब्लिक न्यूसेंस का आम लोग मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं और कोर्ट ने उनको नहीं इजाजत दिया इससे अग्रीव है तो एक आर्डर है इस ऑर्डर की अपील हो जाएगी

किसी बंदे को इलीगली आपने अरेस्ट कर लिया सेक्शन नाइनटी फाइव में या उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली अटैच कर लिया जबकि अटैच नहीं करना जाना चाहिए था उससे ग्रीव फील कर रहा है तो इस ऑर्डर की अपील कर सकता है नाइनटी फाइव और लास्ट में लिखा हुआ है और कोई रूल्स जिसमें किसी आर्डर की अपील है सीपीसी के तहत तो उस ऑर्डर की भी अपील हो जाएगी और लास्टली इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन इस रूल के तहत जो ऑर्डर पास होंगे इसमें मान लीजिए अपील हो गई और अपील होने के बाद जो ऑर्डर पास होंगे अपील के कॉन्सिक्वेंस में इस ऑर्डर की अपील नहीं होगी एक सौ चार भी थोड़ी की लिस्ट है तो अगर आप इसमें जजमेंट तो इस तो की अपील होती है आर्डर की अपील नहीं होती लेकिन सेक्शन एक रेड विथ ऑर्डर फोर्टी थ्री ये एक तरीके से एक्सेप्शन है जहां पे इन सारे आर्डर्स की भी अपील हो जाती है लेकिन ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है जिनकी अपील होती है जनरली आर्डर्स आर नॉट अपीलेबल अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो ये हम लोगों ने देखा और लास्ट में हम लोगों ने देखा है, चार, चार, अपील परसन, 33. उसी का है। तो आर्डर फोर्टी फोर ए में उसकी व्यवस्था है वो अपील फाइल कर सकता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन तो ये पूरी पांच चीज हम लोगों ने अपील के लिए देखा क्या देखा हम लोगों ने अपील सेकेंड स्टेज की सिविल प्रोसीडिंग है जब हम मुकदमा हार जाते हैं तो हम इसको इन्वोक करेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन अपीलेट जोरिस्डिक्शन पांच तरीके का है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री जो कि हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील टू द सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कभी कभी अपील फ्रॉम आर्डर्स जो परमिशबल है उन आर्डर 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 की भी अपील 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 होगी और बाय पर्सन का का कंटिन्यूएशन कैपिटल ए तो ये पूरी प्रावधान था उम्मीद करता हूं आपको अपील समझ में आई होगी अब इसके आगे हम लोग आते हैं रेफरेंस रिव्यू रिविजन ये तीन बातें बची हुई अगले स्लाइड पे आइए आप नेक्स्ट स्लाइड है रेफरेंस ध्यान दीजिए रेफरेंस धारा एक सौ तेरह आर्डर सेक्शन 113 वन 46 आर्डर 46 ध्यान दीजिए रेफरेंस अब रेफरेंस क्या है रेफरेंस कोर्ट से कोर्ट में होता है जैसे मैं बताऊं किसी लोअर कोर्ट में कोई सिविल मामला पेंडिंग है और उस लोअर कोर्ट को उस मामले को निस्तारित करने में कोई डिफिकल्टी समझ में आ रही है कठिनाई समझ में आ रही है वो कठिनाई कैसी है वो कठिनाई या तो फैक्चुअल है या तो वो कठिनाई लीगल है दोनों में से कैसी भी कठिनाई है तो यह लोअर कोर्ट इस मामले को हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए रेफर कर सकता है ही मे रेफर दिस मैटर फॉर ओपिनियन ऑफ दी, दी हाई कोर्ट माने कोई मैंडेट नहीं है कि रेफर करेगा ही करेगा लेकिन अगर उसको कठिनाई समझ में आ रही है चूंकि वह लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट उसकी बॉस है जो सुपीरियर जो सीनियर है ऊपर बैठी हुई है तो ही मे रेफर दिस मैटर फॉर ओपिनियन ऑफ दी कोर्ट

लेकिन जब प्रविजो में आप जाएंगे सेक्शन वन वन थ्री के प्रविजो में आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट के दिमाग में यह है कि हमारे मामले में जो मामला हमारे कोर्ट में नीत है इसमें किसी कानून की वैधता का सवाल है रूल रेगुलेशन और इंस्टेट्यूट के वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल है या किसी प्रावधान का उस रूल रेगुलेशन के किसी प्रावधान के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल है और उस रूल रेगुलेशन का वो प्रावधान इस मामले में उसका निर्वचन आवश्यक है उसका इंटरप्रिटेशन आवश्यक है लेकिन लोअर कोर्ट को लग रहा है नो नो दिस प्रोविजन इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऐसा उसको लग रहा है तब लोअर कोर्ट सेल रेफर दिस मैटर फॉर दी ओपिनियन ऑफ दी कोर्ट तो यहाँ पे डिस्क्रिपन नहीं है अगर मान लीजिए संवैधानिकता के अलावा कोई प्रश्न है कोई ऐसी डिफिकल्टी है तब लोअर कोर्ट में रेफर दिस मैटर लेकिन संवैधानिकता का अगर सवाल है देन लोअर कोर्ट रेफर दिस मैटर फॉर ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट

रिव्यू क्या है इसमें दो वर्ड है देखिए री प्लस व्यू री प्लस व्यू पुनः देखना टू लुक इंटू अगेन पुनः री मीन्स पुनः और व्यू मीन्स देखना देखना पुनः देखना फिर से देखना माने फिर से देखने का मतलब ऑलरेडी ये मैटर देखा जा चुका है इसका मतलब उसी को फिर से देखना है इसका मतलब रिव्यू इस कोर्ट में, सेम कोर्ट में तो सेम कोर्ट में रिव्यू होता है आपको एक क्लियर होना चाहिए। उसी कोर्ट में, हो में रिव्यू होगा कब होगा इसका क्या ग्राउंड है ये लिखा हुआ है साफ साफ सेक्शन वन वन फोर में वेन मैटर वॉज अपीलेबल बट नो अपील वॉज प्रेफर्ड ध्यान दीजिए ये मैटर अपीलेबल था लेकिन अपील प्रेफर नहीं करी गई थी या मैटर वॉज नॉट अपीलेबल अपीलेबल था ही नहीं तो दो ऐसा ग्राउंड है जिसमें रिव्यू होगा मैटर अपील करने लायक तो था लेकिन अपील इसकी नहीं करी गई और टाइम बीत गया तो अपीलेट कोर्ट में तो आप नहीं गए अब आप क्या करेंगे अब आप सेम कोर्ट में आकर के रिव्यू करा सकते हो या मैटर अपीलेबल ही नहीं है तब आप तो अपील में जा ही नहीं सकते तो सेम कोर्ट में आप रिव्यू करा सकते हो तो दो ग्राउंड है जिसमें रिव्यू होगा मैटर वाज अपीलेबल बट नो अपील वाज प्रेफर्ड एंड पॉइंट नंबर सेकेंड मैटर वाज नॉट अपीलेबल तो इस आधार पे आप रिव्यू में जा सकते हैं रिव्यू में जाएंगे सेम कोर्ट में जाएंगे जनरली सेम बेंच में जाएंगे और उसी कोर्ट से कहेंगे जज साहब आपने जो किया है इसमें फला फला गलती समझ में आ रही है इसको कृपया ठीक कर दें अब इसमें छोटी बहुत गलतियां हैं जो ठीक करी जाती हैं जैसे अरिथमेटिकल मिस्टेक क्लरिकल मिस्टेक एक्सीडेंटल स्लिप एनोमेशन ये सब छोटी छोटी गलतियों को रिव्यू में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है थ्री प्लस थ्री इज इक्ल टू फाइव जबकि होना चाहिए थ्री प्लस थ्री इज इक्ल टू सिक्स तो ये मैथमेटिकल मिस्टेक है इसको आप दिखा देंगे रिव्यू कोर्ट इसको ठीक कर देगी ठीक है ना तो इस तरीके के मामले रिव्यू में जाते हैं सेम कोर्ट जब वो मैटर अपीलेबल तो था लेकिन अपील आपने नहीं प्रेफर किया या अपीलेबल था ही नहीं तो आप रिव्यू में जाएंगे सेम कोर्ट में और सेम कोर्ट से आप प्रेयर करेंगे तो ये है रिव्यू सेम कोर्ट सेम बेंच रिव्यू टू लुक इन टू अगेन अब आगे जाइए नेक्स्ट लास्ट है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन ये है सेक्शन वन वन फाइव अब रिवीजन हमेशा का हमेशा कोर्ट में होता है सिविल मामले में आप ध्यान रखें रिवीजन हमेशा का हमेशा कोर्ट में होता है अब रिवीजन के क्या, क्या ग्राउंड है रिवीजन के ग्राउंड ये है कि मैटर इज नॉट अपीलेबल ध्यान दीजिए जब मैटर अपीलेबल नहीं होगा हमारा मैटर बंद हो गया हम इसकी अपील फाइल कर ही नहीं सकते क्योंकि अपीलेबल नहीं है लेकिन देखें थे ना हम लोग नाइनटी सिक्स में नो no अपील लाई अपीलड्रेड में भी हम लोग ने देखे थे नो no अपील लाई तो वो मामला जिसमें अपील लाई ही नहीं करेगा ऐसे में आप क्या करेंगे ऐसे में आप रिविजन करेंगे हाईकोर्ट में और रिविजन में आप हाईकोर्ट से सारी गलतियां बताएंगे लोअर कोर्ट की और उसकी गलतियों को करेक्ट कराने का प्रयास करेंगे तो रिविजनल कोर्ट इसको करेक्ट कर सकती है हाईकोर्ट इसको करेक्ट कर सकती है तो जब मैटर वॉज नॉट अपीलेबल तभी उसमें जाएगा अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मैटर अपीलेबल था और रिवीजन फाइल कर दिया आपने तो हाई कोर्ट इसको वापस भेज देगी वो सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे तो क्वेश्चन जब अपीलेबल नहीं अपीलेबल था लेकिन आपने रिवीजन में गए हैं तो आपका रिविजन ट्रीटेड एज अपील और इसमें यह रिवीजन क्या सूट को स्टे कर देगा मान लीजिए कोर्ट में आपने रिवीजन डाल दिया डिसाइड कर दिया है लोअर कोर्ट ने तो क्या हो जो डिक्री है वो हो जाएगी, तो कह रहे हैं नहीं चलेगा जब तक हाई कोर्ट ने इसको नहीं कर दिया अगर हाई कोर्ट ने कर दिया, तो स्टे हो जाएगा लेकिन अगर जनरली स्टे नहीं होगा रिवीजन फाइल करना सूट या डिक्री या जजमेंट पे स्टे का प्रावधान नहीं करता है ना तो ये था रिविजन तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अपील

आप अगर नीति निर्देशक तत्वों में जाएंगे संविधान के भाग चार में तो वहां पे आपको मिलेगा जस्टिस टू ऑल सोशल जस्टिस स्टेट इंडेबल टू प्रोवाइड तो राज्य प्रयास करेगा सबको सामाजिक न्याय दिलवाने का और प्रीएम्बल में उसकी गारंटी है फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे तो बहुत ऐसे मूल अधिकार हैं जिसके तहत आपको सामाजिक न्याय प्रावधान देने का व्यवस्था किया गया है तो ये सारे एक जगह नहीं कई जगह कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है जिसमें न्याय की व्यवस्था सबको है क्वेश्चन ये है कि न्याय कैसा और न्याय कब तो न्याय अंतिम समय तक आपको मिलनी चाहिए अंतिम समय तक आपको न्याय मिलनी चाहिए यह कानून का मनसा होना चाहिए सीपीसी में आप आप देखेंगे जब जब सेक्शन में जाएंगे जब सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो यू कैन क्लेम इट अ मैटर ऑफ राइट ऐसा नहीं है हमारा सिविल अधिकार प्रभावित हो गया यू भी जस्ट सीवी रिमीडियम हमारा सिविल प्र, अधिकार प्रभावित हो गया कोर्ट की मर्जी नहीं है हमारा राइट है और मैं जाऊंगा कोर्ट में मैं ताल ठोक के कहूंगा कि आप हमारे सूट को मेंटेन करिए आपको करना ही पड़ेगा उसी तरीके से मान लीजिए मैं मुकदमा हार जाता हूं तो मुझे बेचारा नहीं बनना है मैं जब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में जाऊंगा सेक्शन नाइन सिक्स में देखा फर्स्ट अपील सैल लाई आई कैन क्लेम इट एज मैटर ऑफ राइट फिर भी इसमें कोर्ट की मर्सी नहीं है ताकि न्याय हमको लेना है हम अग्रीव फील कर रहे हैं फिर जब आप सेक्शन हंड्रेड में जाएंगे सेकंड अपील में हाई कोर्ट में ये अपील मुकदमा आप हार गए सेकंड अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में सेक्शन हंड्रेड में लिखा हुआ है सेकंड अपील सैल लाई

तो ये आपका अधिकार है और अधिकार के तौर पे आप केवल सूट ही नहीं फाइल करेंगे आप अपील लड़ते लड़ते प्रोसीजरल लॉ जिसमें जस्टिस टू ऑल केवल डिक्लेरेटरी आर्नामेंटल डिक्लेरेशन नहीं है राधर यह प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जो स्टेच्यूटरी प्रोविजन में आपको हर जगह देखने को मिलेगा तो ये सेकंड स्टेज आप सिविल प्रोसीडिंग है फर्स्ट स्टेज में राइट को सिक्योर करेंगे 9 में. में आप अपील में जाएंगे, जिसमें और आप उसको अधिकार के रूप में प्राप्त करेंगे यह स्टेच्यूट की मनसा है तो ये पूरा प्रावधान इसको डिक्लेयर करता है संवैधानिक दायित्वों को संवैधानिक एब्लिगेशन को फुलफिल करने में सहायता करता है तो मैं समप्त करूं हम लोगों ने क्या देखा इसमें हम लोगों ने देखा अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन अगर हम मुकदमा हार जाते हैं तो हम अपील फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और अपील जो हम फाइल करेंगे कितनी फोल्ड की अपील है फाइव अपील हम ने देखा जो सेक्शन 96 से 112 तक है और आर्डर 41 से 45 तक है पांच तरीके की अपील है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेक्शन 96 सिक्स टू नाइन नाइन आर्डर फोर्टी

और आर्डर 47, 114 आर्डर 47 रिव्यू फिर से देखना रिव्यू सेम कोर्ट में जाएगा कब जाएगा जब मैटर वाज, अपीलेबल बट अपील वाज नॉट प्रेफर्ड या मैटर वाज नॉट अपीलेबल तो उसी कोर्ट में आप रिव्यू में जाएंगे जिसमें रिव्यूअल कोर्ट के पास पूरा राइट है करेक्ट करना मिस्टेक को और रिवीजन ये है कि जब अपीलेबल मैटर नहीं है तो आप रिवीजन में हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट जब देखेगी तो हाई कोर्ट आपके रिवीजनल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके करेक्ट कर लेगी अगर अपील लाई करता है और आप अपील फाइल फाइल करके रिवीजन किए हैं तो आपका रिवीजन पिटिशन अपील ट्रीट किया जाएगा और हाई कोर्ट इसको अपीलेट के अपील के तौर पर निस्तारित करेगी और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि रिवीजन जो है स्टे नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली इसको स्टे नहीं कर दिया है तो ये कुल मिलाकर के इतनी बातें हम लोगों ने देखा जो सेकेंड स्टेज ऑफ सिविल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन ये सब समझ में आया होगा तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने पेशेंस रूप से इसको सुना इतने देर तक और आपने इसको समझा तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू टू वन एंड ऑल नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.